गर्मी आ रही है, गेम भी खेलना है, मोबाइल भी हीट हो रहा है, कैसे काम चलेगा भाई? फ़ैन है हमारे पास, रिव्यू करेंगे, पता करेंगे कौन सा फ़ैन सबसे बढ़िया सूटेबल होगा, कौन सा है जो स्टैंड हो जाएगा, गिरेगा नहीं। फ़ैन देखने में बहुत सुंदर है, ले तो लिए, लेकिन जैसे ही स्टार्ट किए तो साला मिनी जेट इंजन करके चल रहा है, और उधर फ़ोन गाली दे रहा है माइक्रोफोन की, अबे साला क्या कर रहा है, नासा से कॉन्टैक्ट कर रहा है क्या, क्या आवाज़ आ रही है। तो हमें साइलेंट भी चाहिए फ़ैन, और ड्यूरेबल भी चाहिए, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, देख लो, आइए रिव्यू करते हैं इनका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फ़ैन से, छोटा सा फ़ैन है और ये डायरेक्ट लगने वाला है फ़ोन में, और इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है वैक्यूम वाली, भाई चिपक जाएगा, इसको ऐसे करके करेंगे यूज़, यहाँ लगाएंगे, अब ये नहीं निकल रहा है, आप देखो भाई कितना भी हिला रहे, भाई नहीं निकल रहा है ये, अगर इसको खींचना चाहे तो, बहुत हार्ड, ओह बहुत सही है, चलना स्टार्ट हो गया, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, नो साउंड, लेकिन बहुत कम हवा, बहुत कम, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अब बैटरी डाउन होगी वैसी आवाज़ चल रही, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर कम करेगा ये, फ़ोन भी कहीं स्पेसिफिक जगह पर हीट होता है जहाँ पर प्रोसेसर होता है, आप अगर उसको डायरेक्ट उसी प्लेस पर चिपका दोगे, और सबसे बढ़िया है कि क्लैंप लैंप नहीं है ना, क्लैंप में क्या होता है, डर लगता है कि फ़ोन हमारा ख़राब हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, चोट लग जाएगी फ़ोन को, नहीं, इसको वहीं लगा दो प्रोसेसर के ऊपर, चिपका दो वैक्यूम से, इफेक्टिव हो जाएगा, काम हो जाएगा, 2-3 डिग्री भी अगर कम कर दिया ना टेम्परेचर, बहुत हो जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे, और सबसे बढ़िया हैसल फ्री है कि इसको USB है, कहीं भी लगा दो, लैपटॉप में लगा दो, कोई भी प्लग में लगा दो, ये डायरेक्ट चलेगा, ये नहीं कि पहले चार्ज करो, चार्ज खत्म हो गया। 450 रुपये में ये फ़ैन आया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। ये भी एक फ़ैन है, लग रहा है देखने में क्या, पॉड जैसा लग रहा है, छोटा सा रोबोट जैसा, बहुत क्यूट, बाहर से कोई पकड़ नहीं पाएगा कि आप फ़ैन लेके घूम रहे हो। डबल डायना वाला है, देख रहे हो, 2 विंग है इसमें, इसको ऑन किया जाए क्या, अच्छा हवा लग रहा है, अगर इसको हम रखते हैं तो, अरे रे, अरे रे, अरे भाई इसको ऑफ करो पहले, ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा मुझे, स्टेबिलिटी इसकी अच्छी नहीं है, ऐसा क्यों दे दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा कुछ बनाना चाहिए था ना, अगर हम ऐसे करके रखते हैं, ये तो गिर जा रहा है ये तो गिर जा रहा है, कोई नहीं, इसको हम खड़ा करके रहेंगे, प्लस जब आप बटन दबाने जाओ ना तो एक दो बार हाथ में लग जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, उतना तेज है नहीं, अगर मैं ऐसे करके गेम खेलूं, हाँ नहीं लग रहा है, हवा लग रहा है, बहुत बढ़िया, ये सही है, अगर आप ऐसे गेम खेल रहे हो ऐसे करके, अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एयर है, बढ़िया, और बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, साउंड बिल्कुल नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस इसका जो नीचे में स्टैंड है वो मेरे को पसंद नहीं आया, और इसमें स्पीड भी है, एक और बढ़ा दिया, अभी भी आवाज़ नहीं आ रहा, देखो 2 स्पीड, अच्छा 2 ही है क्या, 1 2 2 तक जाएगा, ये ठंडा कर देगा आपका फ़ोन, लेकिन अगर आप किसी कहीं पर टिका सकते हो उसको तब सही है, नहीं तो दिक्कत होगी, पता चलेगा जरा सा ऐसे हाथ लग गया और ये उलटने लगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये ऐसे सीधा भी जाएगा क्या, और ऐसे खड़ा होगा क्या, नहीं ऐसे खड़ा होने का भी नहीं है, अगर ऐसे खड़ा होने का बना देते तो, पता नहीं ये इतना हाई क्वालिटी फ़ैन बना के और उसके बाद भी कुछ खड़ा होने का जगह नहीं दिए भाई, ऐसे कहेगा क्या, ऐसे ऐसे खेलेगा क्या आदमी, हाँ देखो ये स्टेबल हो गया, ऐसे करके कैसे खेलेगा भाई, ऐसे भी रख सकते हो ऐसे, हाँ ऐसे भी हवा आ रहा है भाई, लेकिन ध्यान रखना है कहीं जा रहे उसको यूज़ करने में फ़ोन मत पेल देना फ़ैन में, ये ठीक है नीचे से हवा आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है ना आपको यहाँ ज़्यादा हवा लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, डायरेक्ट अगर ऐसे लगे तो ज़्यादा बेटर होता है, कि ये भी 450 रुपये का ही है, और मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, चीप मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है इसमें, टाइप सी है चार्ज, आजकल सारे फ़ोन में टाइप सी चार्ज आ रहा है, चार्ज के लिए आपको अलग से चार्जर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सी से चार्ज भी हो सकता है, डायरेक्ट आप USB से चला भी सकते हो इसको, इसको निकाल के ऐसे ही मत कर देना, यहाँ से वहाँ कर देना, ऐसा नहीं होगा कि बैक चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, वैसा कुछ नहीं होगा, चलना भी स्टार्ट नहीं हो जाएगा, अरे साला दोनों में लगा दी, कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया फ़ैन, नहीं नहीं ठीक है बढ़िया है, खड़ा ही नहीं होता है भाई। इसमें एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी कि फ़ैन जो होता है, जो विंग्स होते हैं फ़ैन के, वो हमेशा ऐसे स्टैटिक रहेगा ना तो जगह बहुत लेता है, इसमें क्या है फोल्डेबल है, ये सही है यार, हाँ इसीलिए ये पतला सा स्लीक सा है, ऐसा नहीं इसको पॉकेट में डाल के आप ले जा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत सही क्यूट सा, भाई बचपन में बहुत शौक था मुझे कि भाई ऐसा भी फ़ैन हो जिसमें लाइट जल जाए, और
फैन का भी काम करे, और प्रॉपर फैन वाली आवाज भी है इसमें कर रहा है, देखो ध्यान से। मटेरियल की क्वालिटी बहुत चीप, एकदम ही सस्ता प्लास्टिक यूज किया, काफी बढ़िया बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है, आप चला सकते हो इसको, और तेज भी बहुत चलता है, और बढ़िया नॉब दिया हुआ है, स्टेबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं। बाप रे, 4-5 भाई, प्रॉपर जो आपका टेबल फैन होता है ना, वो ऐसा 5 मोड है इसमें, 1 से लेकर 5 तक, और आवाज देख रहे हो खतरनाक। इसमें आप खाली हवा ले सकते हो, ये गेम खेलने के लिए इतना आवाज करेगा ना, अगर आपके पास सप्रेस किया हुआ माइक जिसमें नॉइज कैंसिलेशन है तो काम हो जाएगा, नहीं तो के ना ना ना, गेम में बहुत गाली सुनने वाले हो, फुटस्टेप की जगह पर खाली फैन नॉइज आएगा। ये मुझे लगता है गेम खेलने के लिए फैन नहीं है, इसको आप इसके सामने लगा दो, शीशे के सामने, और मेकअप करो, मेकअप करने वाला फैन है, टिकटॉक बनाने से पहले मेकअप करना है, पसीने नहीं आए उसी के लिए फैन है, लाइट भी है इसमें। ये भी 450 रुपये का है, 449 रुपये में ये मिल रहा है। नेक्स्ट फैन जो हमारा है वो डिज़ाइन वाइज, साइज वाइज और स्टेबिलिटी वाइज मुझे लगता है कि अभी तक के लॉट में सबसे बढ़िया ये है, और सिर्फ 450 रुपये, 449 रुपये इसका भी प्राइस है, और बैटरी वैटरी का चक्कर नहीं है इसमें, आप डायरेक्ट इसमें USB लगाओ, अगर बैटरी डाउन हो गई, चार्ज नहीं किए, रात में नहीं लगाए थे, मिस हो गया फ़ोन ग्रमर, वैसा कुछ नहीं है, आपको पहले से पता है कि USB लगाना है इसमें, तभी ये फ़ैन चलेगा। बैटरी लगाने में कोई पैसा नहीं खर्चा किया गया, सारा जो पैसा है वो फ़ैन का क्वालिटी में खर्चा गया, और आवाज़ बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है एक और मोड होगा, हाँ हल्की सी आवाज़ है लेकिन मैनेजेबल है, और बहुत ज्यादा हवा है, आप देख लो, हाँ ये अच्छा है। एक और मोड है भाई, 3 मोड, लेकिन तीसरे वाले मोड में थोड़ा सा नॉइज आना स्टार्ट हो गया है, और ये अपने आप घूम रहा है, ये क्या है भाई, अबे हम गेम खेलेंगे तो क्या बार बार हमको ऐसे करना पड़ेगा? ये देखो, ये घूम जा रहा है, इसको टिकाने के लिए आपको कुछ रखना पड़ेगा ऐसे, तब ये नहीं घूमेगा, हाँ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर खुला छोड़ दिए तो ये आपको नहीं एनिमी को हवा देने लगेगा। 450 रुपये में, वेरी गुड बाय। नेक्स्ट फैन आप बिलीव नहीं करोगे कि कितना महंगा है और कितना देर तक चल सकता है एक चार्ज में। दिस फैन इज वर्थ मोर देन 2000 रुपीज। ऑन किया, 2 मोड, 3 मोड, दिस इज़ अ रियल फैन। ओपोलर कंपनी का है ये, मैं कम से कम 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल तो हो ही गया कम से कम। BGMI में आईपैड के पीछे इसी को लगा के रखता हूँ, गर्म नहीं होता, उससे पहले मेरा गर्म हो जाता था, मैं खेलता हूँ ऐसे करके, काफ़ी देर चलता है, 7 घंटे की स्ट्रीम में बिल्कुल पता नहीं चलता, नेक्स्ट दिन भी 7 घंटे की स्ट्रीम कर लेता हूँ तो जाके ख़त्म होता है। बैटरी वाइज इसका बोलूँ तो बहुत अच्छा बैकअप है, 4000 mAh की बैटरी है इसमें। इसमें आप अगर देखोगे तो ये घुमाने का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आप कोई भी एंगल इसको दे सकते हो, ये बहुत बढ़िया है, आप कहीं भी फिक्स कर दो, फिक्स करने के लिए क्लिप जो है ना, ज़बरदस्त क्लिप है, अगर मैं इसको यहाँ लगाऊँ कहीं भी लगा सकते हो, बहुत स्टडी, ऐसे लगा दिया, ऐसे काम कर रहा है, अनइमेजिनेबल इतना नज़दीक से, लेकिन 2000 से ऊपर का है, बाकी जितने भी फ़ैन थे मेरे 450 के थे, ये 2000 का है, तो 2000 में आपको 4000 mAh की बैटरी भी मिल रही है, मतलब एक बार अगर चार्ज कर दिए तो फिर आपको तुरंत नहीं चार्ज करना पड़ेगा, खेलोगे आराम से 2-3 दिन खेलोगे, उसके बाद ही फिर चार्ज करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसको आप एक बार चार्ज करो, ट्रैवल कर सकते हो, 1-2 दिन आपका चलेगा। सारे फैंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके प्राइस चेक कर लेना, हो सकता है ऑफर में कोई हो सस्ता मिल जाए। तो हमारे पास एक लटकाने वाला पंखा लिए, यहाँ पर आप देखो इसमें बैटरी लगता भी है, और इसको आप चार्ज भी कर सकते हो, यहाँ चार्ज का भी है, ये चार्ज का भी है, बटन है, गर्दन में लटकाइए, एडजस्टेबल है, जिधर डायरेक्शन करना है कर सकते हैं, यहाँ दबाइए और ऑन हो गया। ओह ऐसा रख लो, एडजस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा सा हल्का 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 वाइब्रेट कर रहा है लेकिन ठीक है, इसमें बटन दबाने से तेज हो जाता है, बहुत तेज हो गया, आ क्या हवा लग रहा है भाई, इसको आप जिस डायरेक्शन में
लटकाना चाहो, जिस डायरेक्शन में करना चाहो उस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से हवा चाहिए, इस तरह से हवा चाहिए, इस तरह से हवा चाहिए, ये सबसे बढ़िया पोजीशन लग रहा है। नीचे से हवा पूरे मुंह पे लग रहा है, मस्त भाई, बढ़िया स्पीड चल रहा है। और एक ये हमारे पास है छोटा सा फैन, सिर्फ 250 रुपए का। तीन मोड है इसमें, 1, 2, 3। हवा बहुत बढ़िया है। स्टैंड दिया गया है जो कि डिटेचेबल स्टैंड है, तो ऐसे आप पकड़ के भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर स्टैंड लगाना है तो स्टैंड लगा के आप खड़ा भी कर सकते हो, आराम से खड़ा हो जा रहा है। बिल्कुल ही लाइट वेट है, लगा के आप गेम खेल सकते हो, थोड़ा सा फेस में भी हवा आएगा, मज़ेदार है। इसका बैटरी मैं दिखा देता हूँ आपको, रिचार्जेबल बैटरी है, काफ़ी बड़ा है, देख रहे हो, ये जो मोटे वाला फैट बैटरी आता है उस टाइप का है। इसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है जहाँ पर स्विच है। सही लग रहा है, क्यूट लग रहा है, 250 रुपये में और क्या मिलेगा। नेक्स्ट फैन है हमारा, वो दिस इज ओनली डिजाइन फॉर गेमिंग। ये मैं फैन नहीं बोलूंगा मैं इसको, ये फ्रिज है, मिनी फ्रिज, क्योंकि पीछे इसमें लगा हुआ है पेल्टियर डिवाइस, खतरनाक। ये माउंट वाला सिस्टम है, इसको माउंट कर सकते हो फ़ोन में, और मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये पावर लग गया इसमें और ऑन हो गया। इसमें RGB लाइट भी है, और अगर यहाँ पर आप टच करोगे, भाई साहब बर्फ जम रहा है यहाँ पर, छुओगे तो लगेगा फ्रिज है ये, खतरनाक। थोड़ी देर में देखना इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएगा, इतना ठंडा हो जाता है ये इस जगह पर 0 डिग्री कर देता है, और ये आपके टच होगा मोबाइल में, ये खतरनाक ठंडा करता है। जहाँ पर आपका प्रोसेसर लगा हुआ, अगर वहाँ पर आप लगा दिए, इसको लगाने के लिए आपको माउंट करना पड़ेगा, खींचिए और लगा दीजिए, आराम से लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रॉपर टच भी हो रहा है, आपको बस ये देखना है कि किस जगह पर एग्जैक्टली आपका बहुत हीट हो रहा है फ़ोन, आप उसको एंगल करके लगा दो, ऐसे ऐसे भी लगा सकते हो, ये टेम्परेचर लो कर देगा, क्योंकि इसमें हाई टेक यूज़ हुआ है, पेल्टियर डिवाइस। ये 1200-1300 में मिलेगा, ये रियलमी की तरफ से है, और इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, ये हाई क्वालिटी चीज़ है। अगर आप इसको लेते हो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते हो, केबल से चलेगा, और बिल्कुल हल्का है, कोई ऐसा भारी नहीं है, वज़न बहुत कम है इसका, तो आपका फ़ोन में ऐसे फील भी नहीं हो रहा कि कुछ लगाया हुआ है। थोड़ा सा वेट लग रहा है, थोड़ा सा तो लगेगा ही, कोई भी पंखा लगाओगे तो लगेगा। तो अगर आप इसमें कुछ अटैच करना चाहते हो, ऐसा लेना चाहते हो जो आपके फ़ोन में अटैच हो जाए, तो ये बेस्ट चॉइस होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री का आपको मिलेगा टेबल फैन, घर पे होगा ही, बस इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपने तरफ घुमाया और ऑन कर लिया और अपने तरफ रह जाए, ऐसा नहीं, बीच में कोई गारंटी नहीं है, कोई अपने रूम में भी खींच के ले जा सकता है, अपने तरफ भी घुमा सकता है। अगर ऐसा फ़ैन लगा दिए पीछे, तो ये आपके फ़ोन के साथ आपका दिमाग भी ठंडा करेगा, आपकी पूरी बॉडी को ठंडा कर देगा। 2000 रुपये का मिलेगा, अगर है घर में तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो ख़रीद लो, मल्टीपर्पज़। ज़्यादा तेज चला दोगे तो इतना ज़्यादा आवाज़ करेगा ये ना, कि नींद आ जाएगी आपको, इतनी अच्छी हवा है, हाँ, सारी गर्मी चलेगी, गेम खेलना भूल जाओगे, बहुत बेहतरीन, वाह वाह वाह, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आया होगा, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, और आप कौन सा फ़ैन यूज़ करते हो, और आपका मोबाइल हीट होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ।